आउज़ुबिल्लाही मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा शफकत अली तारा मुखातिब हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट। आज के दिन हमारी वेलफेयर वजूद में आई, 27वां रमज़ान जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया, और यह मिशन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है कि पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन जहाँ भी होगा वहाँ दहशतगर्दी और मुल्क की सलामती में सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना रोल अदा करें। तो यौम तहसीन है, मैं तमाम अपने अहदेदारों को ख़ासतौर पर वाइस चेयरमैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद अहमद छतारी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, डिप्टी चेयरमैन ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन शाह साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, डायरेक्टर मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब को, कमान राजपूत साहब को, फारूक कुरैशी साहब को, और जितने भी हमारी बॉडी के लोग हैं उन तमाम मेम्बरान को, जुम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि 12 साल से ये अदारे ने अकाउंट नहीं खोला, अपनी मदद आप, ये अदारा चलता है और अल्लाह चला रहा है और इंसानी खिदमत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती में सिविल सोसाइटी अपना रोल अदा करे गवर्नमेंट के साथ, पाक फौज, ISI, MI, IB, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, रेंजर्स, ये हमारे महाफिज हैं, ये रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। तो पाकिस्तान की सलामती में हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। और कराची के हालात के हवाले से कई जो डकैतियाँ हो रही हैं, डकैतों ने कंटिन्यू लोगों को लूट भी रहे हैं और मासूम लोगों को, शहरियों को कत्ल भी कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो ऐसे कानून बनाया जाए कि कम से कम ये जो डकैतियाँ करते हैं वो कोर्टों से तो छूट जाते हैं ज़मानत पे, हमें कैसे पता चलता है कि वो डकैत है? तो ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, जैसे सऊदीया के अंदर कान काट देते हैं तो कम से कम कान कटा होगा तो हमें यकीन होगा कि ये डकैत ही है, क्योंकि डकैतियाँ करने के बाद वो जेल जाके ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं और अच्छे गेटअप करके आवाम में आते हैं और उनको लूटते हैं, शहीद करते हैं। और कराची के आवाम को चाहिए कि इसमें अब सबको मिलके इस मुश्किल घड़ी में कराची के हवाले से, पूरे पाकिस्तान के हवाले से, हमें सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, रेंजर्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराची की 2.5 करोड़ आवाम के हिसाब से पुलिस की नफरी और रेंजर्स की नफरी बहुत कम है। फिर भी मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ और IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से गुजारिश करता हूँ कि पुलिस के आवाम के कोऑर्डिनेशन में मीटिंग बुलाएं, सिविल सोसाइटी को एक्टिव करें ताकि सब मिलके अपने पाकिस्तान के, अपने शहर कराची की हिफाजत करें। और आज MQM ने भी इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और MQM पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की सलामती में बड़ा रोल अदा कर रही है, और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें काम करना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।